जहां पूरी दुनिया मना रही है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौमे पैदाइश पर खुशियां, तो वहीं पुराने लखनऊ में भी पैगंबर साहब के आमद पर जगह जगह दिखा जश्न का माहौल। लोगों ने वहाँ सबीले लगाकर बांटा तबर्रुक। मौलाना वली फारूकी ने बताया कि क्यों सही बात तो ये है कि 12 रबीउल अव्वल में हम लोग खड़े हुए हैं। इस्लामी तारीख जो है वो मगरिब के बाद से बदल जाती है, तो ये 12 ही है यार, 11 नहीं है। और आज की तारीख रहमतुल्लिल आलमीन हजरत अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश की तारीख है, जैसा कि आम तौर पर मशहूर है। तो जाहिर सी बात है कि वो रहमतुल्लिल आलमीन बन कर के आए थे, सारी दुनिया के लिए वो रहमत बन कर के आए थे। उनका पैगाम किसी एक कौम, किसी एक मुल्क, किसी एक धर्म ख़ास के लिए नहीं था, बल्कि सारी दुनिया के लिए वो रहमत बन कर के आए। और उनकी सारी ज़िंदगी अगर आप गौर करेंगे तो रहमती और करम से भरी हुई मिलेगी आपको। उनकी ज़िंदगी में कहीं से भी तशद्दुद नहीं मिलेगा, आपको अगर मिलेगा तो रहम और करम ही मिलेगा। इसी वजह से कहा जाता है कि आए दुनिया में बहुत पाक मुकर्रम बनकर, आए दुनिया में बहुत पाक मुकर्रम बनकर कोई आया न मगर रहमत आलम बनकर। अल्लाह के आखिरी पैगंबर की यही खसूसियत है। और ये समझ लीजिए कि अगर इस धरती पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना आना होता तो न ये आसमान होता, न ये ज़मीन होती, न ये चाँद होता, न चांदनी होती, न ये तारीकी होती, न ये रोशनी होती, न ये फिजा होती, कुछ ना हो। आना था, इस वजह से अल्लाह ताला ने इस धरती को सजाया और संवारा, और उसके बाद आखिर में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपना दीन अपना मज़हब लेकर लेना। ये विलादत ही की खुशी में का प्रोग्राम है। आप जिस प्रोग्राम में इस वक्त खड़े हुए हैं, मैं 36 साल से इस प्रोग्राम में आ रहा हूँ। ये अकील साहब जो हैं इस प्रोग्राम के ज़िम्मेदार, ये 36वां प्रोग्राम है, 36वां साल है। सारे शहर ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में आज का दिन, आज की रात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम नामी से मंसूब करके मनाई जाती है।